अलग दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे मुल्तान में एक बलोच सरदार, जिसकी अपने एक रियासत के सरदार थे, उनके मुल्तान में मकबरा है। और मकबरा में जो हालात हैं, लोगों ने ना उस मकबरे को दरबार समझ लिया है। दरबार समझने के बाद वहाँ चिराग जलाते हैं, मनते मानते हैं और धागे वगैरह बांधते हैं। धागे बांधने की जो रकम है, ये अब मैं तो इस बारे में कोई तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन जो उनकी जो तारीख है, वो बहुत बड़े सरदार थे। बदस्सी बलोच कबीले के वो सरदार हैं और उन्होंने मुल्तान में साढ़े चार साल यहाँ क्याम किया। 2 साल तकरीबन पहले की बात है। तो उनका आपको मज़ार का विजिट कराते हैं और उनकी तारीख के बारे में भी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर मुकम्मल कोई तारीख जानता है तो उनके बारे में बताएं। ये आपको दरबार का विजिट कराते हैं। ये मुल्तान बाउलदीन जिक्रिया सरकार की मज़ार के ऊपर मौजूद है हम। ये मुल्तान बाउलदीन जिक्रिया सरकार की मज़ार है। ये लोग आए हुए हैं, कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, ये कबूतर हैं। और आपको दिखाते हैं बलोच सरदार जिनकी कब्र को लोगों ने मज़ार बना लिया है। ये है जी कब्र, ये आपको देख रहे हैं, धागे वगैरह लगे हुए हैं, लोगों ने मनते हैं बांधी हुई है। तो कुतबा दिखाते हैं आपको, कुतबा ये देखें जी, ये कुतबा पढ़े। अगर कोई दोस्त इनकी तारीख के बारे में जानता है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कमेंट में बताएं। जो यहाँ तारीख लिखी हुई है, ये तो बहुत कम तारीख लिखी हुई है। अगर कोई दोस्त जानता है, ये बाउलदीन जिक्रिया सरकार के बिल्कुल कदमों की तरफ ये मज़ार है। ये सरकार बाउलदीन जिक्रिया सरकार की मज़ार है। ये मेन गेट है जहाँ से लोग इंटर होते हैं। इंटर होने के बाद ये अंदर जा रहे हैं दरबार की तरफ। और ये मज़ार है कैसर खान, नवाब कैसर खान। ये चहल रियासत किलात के नवाब थे। ये उनकी मज़ार है और ये लोगों ने धागे वगैरह बांध रखे हैं, मंदिर बनाई हुई है। बाकी इधर ये चिराग भी जलाए जाते हैं, ये चिराग भी जलाए जाते हैं। ये कोई सैयद तो नहीं है, आम एक बलोच सरदार हैं, लेकिन लोगों की गलत फहमी या उनकी सोच के मुताबिक ये धागे बांध रखे हैं। हाँ जी, आपने देखा ये बलोच सरदार तो आप कैसर खान मगसी साहब की मज़ार है और लोगों ने इसको धागे बांध कर मज़ार बना रखा है, फिक्र है। तो ये बहुत बड़े सरदार थे। ये बाउलदीन जिक्रिया सरकार के बिल्कुल कदमों की तरफ जो दरवाजा है, वहाँ ये मज़ार है। और नवाब कैसर खान की तारीख के बारे में कोई दोस्त जानता है, थोड़ा बहुत जानता हो या कुछ भी जानता हो, जितना एक जानता है, कुतबा मैंने आपको दिखा दिए, तो कमेंट में उसकी मुकम्मल हिस्ट्री देंगे तो मैं इंशाल्लाह मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट्री बना के पोस्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।